वालेकुम, क्या हाल है सबका? आप लोग ठीक होंगे? तो मैं और आयशा इस वक्त आए हैं अपने मित्सुबिशी के शोरूम में, आउटलेट पे, डीलरशिप पे, क्योंकि मेरी गाड़ी का रोड पे चलते चलते टायर बिल्कुल फ्लैट हो गया था, और उस फ्लैटेंड टायर की वजह से थोड़ी ही देर ड्राइव करी क्योंकि मैं हाईवे पे थी, और हाईवे से निकलते ही मैंने अपना टायर गाड़ी को रोका और चेंज करने की कोशिश की, नहीं था हो सक रहा। देन आई हैड टू टेक इट टू द वर्कशॉप। वहाँ पे जाके पता चला जी कि ये सिलसिला वर्कशॉप के ऊपर नहीं हो सकता। अब आप देख रहे होंगे कि मैं साथ साथ क्या कर रही हूँ। अच्छा जी, तो जी उन्होंने कहा कि आप डीलरशिप पे जाएं, हो सकता है आपकी अभी 7 मंथ्स हुए हैं गाड़ी लिए हुए, तो वारंटी में है, आपको कुछ कंसेशन। तो जी आयशा अपना काम कर रही है साथ साथ, तो हमने सोचा थोड़ी सी बात भी कर ले। किस बारे में बात करनी है आयशा? इतनी आयशा में गल्ला करने का बिल्कुल शौक नहीं है। ओहो, मैं जितना ज़्यादा तुसी इंटेलेक्चुअल बातें, तो हम भी बेवकूफ़ों वाली तो नहीं करती मैं कोई भी बात नहीं। व्हाट डू यू मीन, मैं बेवकूफ़ों वाली बातें करती हूँ? मैं इंटेलेक्चुअल बात करती हूँ, दैट डजंट मीन आई एम सेइंग कि आप बेवकूफ़ों वाली बात करती हैं। यू जस्ट पर्टिकुलरली सेड कि मैं इंटेलेक्चुअल बातें करती हूँ। आई डिडंट नो यू आर इन अ मूड ऑफ दैट टॉक और नो। मूड होता है ना इंसान का, कभी इंसान का मूड होता है इंटेलेक्चुअल बात करने का, कभी होता है ऐसे जस्ट यू नो स्टूपिड टॉक्स भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुमने पर्टिकुलरली कहा कि मैं इंटेलेक्चुअल बातें करती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बकवास करती हूँ। दिस इज नॉट राइट। अच्छा जी यार चाची, तुमने मेरी कितनी गंदी वीडियो अपलोड की है, मेरे वो बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो डाल के ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मेरे सर को क्या हुआ है। वो ना मैंने ना जीशान भाई ने कहा था कि फिल्टर दूसरा वो क्या है उस पर बनाए, पोर्ट्रेट वीडियो बनाए, तो मैंने पोर्ट्रेट वीडियो बनाई। पोर्ट्रेट बनाने के चक्कर में जैसे ये है ना, ये देखो अब ये बन रही है ना, तो ये है इसका पोर्ट्रेट वीडियो, तो जैसे ही गए हैं ना तो ये पीछे से ब्लर हो गया ना इसका। यार ब्लर होना और बात है, उसके अंदर तो वो मेरे कभी गायब हो रहे तो हैं। वो एंगल ऐसा बन गया था कि लाइट हो गई। चलो कोई बात नहीं, लोग इसको भी इंजॉय करेंगे, पता नहीं। मैं सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट हूँ तुम्हारे लिए। नहीं क्या हो गया, ऐसी भी बात नहीं है। एनी हाउ इतनी कोई देखी भी नहीं गई है। अच्छा जी, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग हंस क्यों रहे हैं। अभी शोरूम में बैठे बैठे आयशा ने कहा है मुझे नई गाड़ी की खुशबू बड़ी पसंद है, साथ ही कहती है मुझे नए नोटों की खुशबू बहुत पसंद है। यार इतने प्यारे लगे, क्या मतलब? मुझे नहीं आयशा, नए नोट, अच्छा नए स्पेसिफिकली भाई, नोट तो सबको ही बड़े पसंद होते हैं, तो फिर ऊपर से नए नोट तो नोट ही होता है। नोट की वैल्यू की बात नहीं है, एक उसकी जो एक वो करारापन है, नहीं नहीं उसका एक करारापन होता है, कड़कड़ाता नोट जैसे गड्डी से निकले हुए, और वो जो वो जब वो स्लिप होता है, ठीक है, वो जब ज्यादा सारे हाथ में हो तो वो हाथ से स्लिप भी हो रहे होते हैं, और फिर वो जो है उसके अंदर एक बड़ी एक वो फ्रेश सी खुशबू होती है, ठीक है, वो न्यू बॉर्न नोट होते हैं ना, जैसे न्यू बॉर्न बेबी की खुशबू होती है ना, बड़ी प्यारी वो जो नए नए नोटों की वो जो खुशबू होती है ना, आई लाइक दैट खुशबू, मुझे पसंद है वो। अच्छा लो जी, अच्छा तो इसका मतलब है कि ये एक हाँ नए नोटों की खुशबू होती है, तो फिर और भी पता नहीं काफी लोगों को पसंद होगी नए नोटों की खुशबू, या पता नहीं किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन जरूरी तो सोचते ही हैं। पैसों के बारे में कौन नहीं सोचता भाई, सारे सोचते हैं। तो जी नए नोटों की खुशबू के बारे में आपने भी अपना इजहार ख्याल करना है कि और किस किस को नए नोटों की खुशबू पसंद है। यानी कि कुछ होती है ना चीज़ें, जैसे नई गाड़ी में बैठो, मुझे वो नई गाड़ी की जो स्मेल होती है मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। बेबीज की खुशबू भी बड़ी प्यारी होती है, सबसे ज्यादा खुशबू न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनकी जो बॉडी से खुशबू आ रही होती है ना, इट्स नो मैच। मुझे आज भी याद है फातिमा से मुझे बहुत खुशबू आती थी, बहुत प्यारी खुशबू आती थी, 3-4 मंथ्स की एज तक जो खुशबू आती रहती है, बहुत प्यारी खुशबू आती थी फातिमा से।
ऐसे जैसे फिर ये जो है जैसे बारिश होती है सूखी मिट्टी पे हो वो उसकी खुशबू एक अलग खुशबू होती है, स्नो मैच, तो कुछ फ्रेग्रेंसेस होती हैं दे आर वेरी डिफरेंट एंड यू लाइक दोस। मिट्टी के ऊपर जब पानी के कतरे गिरते हैं और वो जो फ्रेश खुशबू आ रही होती है। अच्छा तुम ये भी गौर करना, आज सुबह बारिश का बहुत रात से मौसम था और जैसे ही आपका स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है ना तो स्प्रिंग में आप बाहर निकले ना तो मौसम में एक जो पत्तों की ग्रीनरी की वो एक और हल्के वो एक डिफरेंट वो भी खुशबू और उसमें आपके ठंडे ठंडे और डीप इनहेल करने को बहुत ज़्यादा जी जाता है, आप वो खुशबू अपने अंदर उतारना चाहते हैं। मुझे वो खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। आज तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सुबह सुबह मौसम था और मैं सुबह जब फजर की नमाज़ के लिए मैंने 6:30 बजे आज मैंने नमाज़ पढ़ी है, हल्का हल्का अंधेरा था और मैंने लिटरली नमाज का सलाम पढ़ के ना तो मैंने कहा कि मैं बाहर दरवाज़ा खोलूँ, मैंने मेन डोर खोल के ऐसे ऐसे करके 3-4 ऐसे मैंने ठंडे ठंडे सांस लिए, मुझे बहुत खूबसूरत वो खुशबू लगी एंड इट वाज सो प्लेजेंट इन द मॉर्निंग कि मेरा दिल चाहा उस वक्त मैं वॉक करूँ लेकिन बारिश हो रही थी। शुक्र करो नहीं कि वॉक अच्छा वॉक बारिश हो रही थी, हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही थी लेकिन कल मैंने वॉक की थी और बड़ा फ्रेश फीलिंग हुई थी। और वॉक ऐसा मैं तुम क्या भी करनी चाहिए यार, अगर की जाए तो। हाँ नहीं आई फेल्ट गुड यस्टरडे व्हेन आई वॉक्ड, दफा कर इतना बाहर अच्छी सी अपनी ग्रीनरी, इतना बाहर अच्छी सी अपनी रोड ट्रेडमिल नू लेके, मुझे तो अंदर गर्मी में बाहर एक इतनी अच्छी ताज़ी हवा आ रही थी, साथ साथ वॉक कर रही थी। फिर एक तो मैंने साथ को भी देखा, खैर साथ उस वक्त अपनी क्लास ले रहा था, फिर मैंने एक चक्कर जब लगा लिया अपने ब्लॉक का ही, बस एक चक्कर लगाया ना ये अपने इर्द गिर्द पूरा तो वो लगाया तो दूसरे ब्लॉक में फातिमा का फ़ोन आ गया कि कहाँ हो, मैंने कहा बाहर हूँ वॉक कर रही हूँ। फिर दूसरा चक्कर फातिमा ने मेरे साथ किया तो उतनी देर में मगरिब का टाइम हो गया, तो फिर मैंने कहा नहीं नमाज का टाइम हो गया, अब मैं चलती हूँ, मैं शाम के वक्त ही लगाई थी लेकिन बहुत इट वॉज सच अ प्लेजेंट फीलिंग।